हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के चैप्टर 9 का एमसीक्यू, जिस चैप्टर का नाम है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आपके बायो का ये फोर्थ नंबर का चैप्टर है और एमसीक्यू क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए आपको एमसीक्यू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ जब आप एमसीक्यू कवर करोगे तो इसमें आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है, एक ओवरव्यू आपको पता चल जाता है कि इसमें आपने क्या क्या किया है। साथ में आपका टेस्ट भी हो जाता है कि आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा है तो कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, और ये आपके मार्क्स से पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विद होम यू कैन एसोसिएट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किससे आप एसोसिएट करोगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो इन चारों साइंटिस्ट में से किसने दिया है। तो इस जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे दो चीज़ को लेकर चैप्टर है, आपका हेरिडिटी है और एवोल्यूशन है। तो हेरिडिटी की जो थ्योरी वो किसी और ने दिया है, जबकि एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली क्या है? ऑप्शन है आपके पास स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, स्टडी ऑफ फर्टिलिटी और स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो यहाँ पर जो जेनेटिक्स है उसमें हम हर चीज़ को स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एज वेल एज एवोल्यूशन, और हम दूसरे वर्ड में वेरिएशन भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड द शॉर्ट पी प्लांट रिजल्टेड इन प्रोगनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स, बिकॉज एक क्रॉस करवाया गया एक टॉल प्लांट में और उसके बाद शॉर्ट पी प्लांट में। तो उन्होंने क्या देखा फर्स्टली रिजल्ट में, कि सारे के सारे प्लांट कैसे बने, टॉल बने। तो यहाँ से आप क्या इन ऑप्शन में से आप जो चीज़ें हैं वहाँ पर निकाल कर आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे जब आप मेंडल ने किया था सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है वो पी पे किया था। पी पे क्यों किया था इस बात को भी लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको तो नोट्स में हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ करते हैं, तो आपका जो ये हमेशा जो कैपिटल वाला होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट ट्रेट का होता है, और ये इसकी प्रॉपर्टी को दिखाने नहीं देता है। तो इस वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉलनेस यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट है और डोमिनेंट वाले ही अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है और रिसेसिव वाले की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको दबा देता है। तो इसी वजह से जो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने जीन को लेकर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं क्या वो जीन है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं क्या वो जीन है, और जो जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं क्या वो जीन है, या फिर जितने भी हमारी बॉडी में फैट्स हैं वो भी जीन है क्या। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हार्मोन, प्रोटीन या फिर एंजाइम, ये सब तो हमें हेरिडिटी मतलब कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, लेकिन बात करें फैट के बारे में तो वो हर किसी की बॉडी का अलग अलग जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, तो उसमें जो फैट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो इस केसेस में इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट दैट इज कैपिटल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीड पी प्लांट द सीड प्रोडक्शन इन एफ वन जनरेशन में। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एफ वन जनरेशन में वही अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर पाते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। तो और यहाँ पे डोमिनेंट हमें कौन से दिख रहे हैं, एक तो राउंड और प्लस में येलो। तो राउंड और येलो जो है अपना एफ वन जनरेशन में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा पाएगा, इसलिए यहाँ पर 5 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अजाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू। एक जाइगोट है जिसको अपने फादर से एक्स क्रोमोजोम मिला है, तो वो जो चाइल्ड होगा वो पर्टिकुलर क्या होगा, बॉय या फिर गर्ल, या एक्स क्रोमोजोम से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड के सेक्स, या फिर आइदर बॉय और गर्ल। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ह्यूमन बीइंग में चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर तो सेम टू सेम होते हैं, बट 23rd पेयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेल में तो होता है XY और जबकि फीमेल में होता है XX। तो ये डिपेंड करता है, जो भी चाइल्ड का सेक्स होगा वो डिपेंड करता है फादर पे। तो अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम लिया है तो वो जो चाइल्ड है वो पर्टिकुलर गर्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का परफेक्ट पेयर जो है वो किनके पास होता है, क्या गर्ल्स के पास, बॉयज़ के पास, दोनों के पास, या फिर ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया इस बात को कि जो गर्ल्स के पास जो क्रोमोसोम होता है वो आपका परफेक्ट मैच होता है, जबकि जो जितने भी बॉयज़ होते हैं उनके पास मिसमैच पेयर होते हैं, एक्स और वाई होता है, जबकि गर्ल्स के पास एक्स और एक्स होता है। तो परफेक्ट जो पेयर माना जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू आवर
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसकी ट्रेट्स होती हैं वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करती है, क्या ओनली पैटर्नल डीएनए, मैटर्नल डीएनए, या फिर बोथ मैटर्नल एंड पैटर्नल डीएनए, या फिर नाइदर को लेकर है। तो यहाँ पर जितने भी चाइल्ड में ट्रेट्स आएंगे, किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रेट्स आते हैं, तो वो मदर और फादर दोनों पे डिपेंड करता है, और जितनी भी मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो मैटरनल पे डिपेंड करेंगे, जितने भी फादर के होंगे वो पैटर्नल डीएनए पे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गन हैव, जितने भी होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उनके पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपके सिलेबस में होमोलोगस और एनालोगस दोनों के दोनों ऑर्गन्स हैं, तो इस फिलहाल तो अभी आपको होमोलोगस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आंसर देना है कि होमोलोगस ऑर्गन्स आपका एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन वो फंक्शन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर्स ऑफ अर्थ देन वी कैन प्रिडिक्ट, एक फॉसिल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल जो हमने मतलब निकाला है तो वो सबसे डीपेस्ट लेयर में हमें मिला है, तो उससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या उस ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंट, क्या वो विलुप्त हो गए हैं, रिसेंटली विलुप्त हुए हैं, या थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो हो गए हैं, या फिर फॉसिल की जो पोजिशन है हम अर्थ के लेयर से पता कर ही नहीं सकते, या फिर टाइम जो होता है एक्सटेंशन का वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फॉसिल्स जितने मतलब लेयर जितना वो नीचे होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ही पहले एक्सटिंक्ट हो गया, तो इस वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा नीचे है, तो जितना डीप में होगा उतना ही वो पुराना होगा, जितने ऊपर वाले सरफेस में मिलेंगे उतने वो न्यू ऑर्गेनिज्म के जो है फॉसिल्स वहाँ पर मिलते हैं। तो इसलिए आपका 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू, जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो न्यू स्पीसीज जनरली किस तरीके से बनते हैं। तो जो हमेशा आपको पता है कि ह्यूमन बींग है ओल्ड कहते हैं कि मंकी से इन लोगों ने इवोल्यूशन करके बने हैं, तो उसके पीछे का बेसिकली यहाँ पर क्या मैटर होता है, क्या रीज़न होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जो थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते रहते हैं हर जनरेशन पे, जो हर जनरेशन पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, लेकिन वो जब काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन शुरू वाले और लास्ट वाले में देखने को मिलता है, तो उसी वजह से जो क्या होता है न्यू स्पीसीज का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सिलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड, इनमें से आपको वो ऐसा कैरेक्टर बताना है जिसको हम खुद एक्वायर करते हैं, इनहेरिटेड मतलब मदर या फादर से हमें मिलता नहीं है। तो इसमें कलर ऑफ आई ऑफकोर्स ये आपका इनहेरिटेड है, कलर ऑफ स्किन इनहेरिटेड है, नेचर ऑफ हेयर जो है वो भी इनहेरिटेड है, लेकिन साइज ऑफ द बॉडी ये इनहेरिटेड नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के न्यूट्रिशन ले रहे हो, बॉडी आपका किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चल रही है, तो यहाँ पर जो है आपका एक्वायर्ड रेट साइज ऑफ बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सम डायनासोर हैड फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई बट बर्ड्स हैव फेदर दैट हेल्प देम टू फ्लाई, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन दिस मीन्स, मतलब डायनासोर आपको पता है बहुत ही पहले एक्सटिंक्ट हो गए, तो कुछ डायनासोर के पास पहले टाइम पे भी फेदर्स थे, पंख थे, लेकिन वो उड़े नहीं पाते थे, लेकिन वही जब बर्ड्स आए तो उन्होंने उड़ना भी शुरू कर दिया। तो इस बात से आप क्या पता कर सकते हो, ऑप्शन देखो यहाँ पर आपका जो बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन का बिल्कुल चक्कर तो है, बट यहाँ पर यह कि क्या रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं वर्ड से या फिर वर्ड से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। तो जैसे कि आपको पता है कि डायनासोर क्या हो चुके हैं, अब हमारे यहाँ नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और जो वर्ड्स हैं हम अभी भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है इनमें से किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो इनहेरिटेंस का जो यहाँ पर प्रिंसिपल है वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिन्होंने पूरा प्रैक्टिकल किया था पी पे, और उनका जो ये है काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, तो इसलिए यहाँ पर और उनको लेकर जो है आपके क्वेश्चन उस तरीके से जो आपका पी वाला मैटर है या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, तो वो सारा का सारा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट्स में हम कवर करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन है जीनोटाइप, फेनोटाइप, वेरिएशन और जीन। तो यहाँ पर आपको
बता दे कि किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कोड होता है, किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कोड होता है वो जेनोटाइप होता है, जो मतलब कि हर सेल में जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका जीनोटाइप है। फिनोटाइप तो इसका जस्ट एक पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, कि हमारी जो लाइफ मतलब कि हर अर्थ पे लाइफ का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया था दो साइंटिस्ट ने, जो कि आपकी बुक में कवर है। तो यहाँ पर आपको बताना है उन दोनों का नाम, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिलर एंड उरे। इन दोनों ने ही इस चीज़ को प्रूव किया था कि हमारी जो लाइफ बनी है वो किसकी वजह से हुई है, केमिकल इवोल्यूशन की वजह से हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, फाइंड इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से आपको अगर कोई इनकरेक्ट है तो उसको आपको बताना है कि जैसे पी है पाइसम सेटाइवम ह्यूमन होमोसेपियंस टाइगर पैंथरा टिग्रिस, तो पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका पाइसम सेटाइवम होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस होता है, टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथरा टिग्रिस होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन, अगर इवोल्यूशन के टर्म में कहें तो हम मतलब हमसे ह्यूमन बींग्स में जो कॉमन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन हमें किस चीज़ में किन में मिलेगा, कौन सी प्रजाति में मिलेगा, एक चाइनीज स्कूल बॉय, एक चिंपेंजी, एक स्पाइडर, एक बैक्टीरियम। ऑफकोर्स चिंपेंजी हमें पता है कि जब हमारी एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग का तो उसमें सबसे पहले मंकी, उसके बाद चिंपेंजी एंड ऑल, तो इसमें भी एक मोड है। लेकिन फिर भी हम जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैच होंगे वो किससे होंगे, एक चाइनीज स्कूल बॉय से, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, सिर्फ हमारा कंट्री का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जायगोट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के जायगोट में जो कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के, तो ये आपको बताना है। तो जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था कि सेक्स क्रोमोसोम का जो एक ही पेयर होता है 22 पेयर, तो सेम टू सेम होते हैं मेल हो या फिर फीमेल, लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन एनालॉगस टू द विंग्स ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स के विंग्स होते हैं उसका एनालॉगस ऑर्गन्स कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट फंक्शन इन लोग सेम टू सेम करते हैं। जैसे हम बात करें जो वर्ड्स के विंग्स है और इंसेक्ट के विंग्स है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग है, लेकिन दोनों उड़ने का ही काम करते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है और ऑनेस्टली लिखना है इसमें, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद CBSE अपडेट न्यूज़ एंड ऑल, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फटाफट मिल जाए।